सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मिट्टी के चूल्हे में यहाँ पे हम बना रहे हैं बैंगन का भरता, जो कि विंटर्स में हम सब कोई बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने मिट्टी का चूल्हा बनाया है और उसके ऊपर जो बैंगन है उसमें थोड़ा सा नाइफ से कट करके उसके भीतर जो जो मिर्ची या फिर जो दिया जाता है उसको देने के बाद इसको अच्छे से हम पका रहे हैं। और यहाँ पर मेरी मौसी बहुत अच्छे से इसको पका रही है और मेरी मम्मी भी अभी इसको पका रही है, इसको घुमा घुमा के। और नीचे लकड़ी देना पड़ता है, आग जलाना पड़ता है, थोड़ा सा कागज़ देना पड़ता है और उसके बाद मम्मी इसको अच्छे से घुमा रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है, जो कि आप अभी देख रहे हो। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 10-15 फिर 20-25 मिनट्स तो ऐसे लग ही जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है देखने में। यहाँ पे हम लोग इसको बना रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आलू और टमाटर भी सेम इसी तरह से करेंगे। और अभी अभी भी मैं करूँगी थोड़ा सा, बस दूर से ही, जस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने भी कभी ऐसे किया है। तो यहाँ पे मैं भी करूँ, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि आग वैसे ऊपर आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरा हाथ ना जल जाए। बट फाइनली मैंने थोड़ा सा कर ही लिया अपनी मौसी के हेल्प के साथ। और यहाँ पर मैं अभी हंस रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, मुझसे तो हो रहा था नहीं, बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग मोमेंट है मेरे लिए। फिर और यहाँ पे देख ही सकते हो मैं पूरे घूर रही हूँ उस बैगन को अच्छे से पक जाए उसके बाद। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आप भी शौक हो जाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है देखने में और खाने में तो बहुत ज़्यादा मस्त होता ही है। तो इसे हम बंगाली में बेगुन का वो बोलते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा बाय द वे क्या बोलते हैं इसको। हाँ, जो भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको, बट ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हाँ, तो इसे बंगाली में बेगुन का पोड़ा कहते हैं। मैंने मेरी मम्मी से पूछ लिया, देखें यहाँ पे ये है फाइनल रिजल्ट। इसको उसके बाद स्मैश वैश करके अभी फिर से प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे आलू और टमाटर है जो कि हम सेम इसी तरह से इसको बैंगन के जैसे अच्छे से वो करेंगे और उसके साथ उसको मिक्स करके एक पोड़ा टाइप का बनेगा जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। उसका अब हिंदी में हम भरता बोलते हैं। देखिए बैंगन भी लाइक आप लोग ने मुझे जला दिया। चलो जो भी हो, अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सो गाइस अब है फाइनल रिजल्ट। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। ये ही